नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा। रियल्टी मीडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में रेरा एक्ट आया है और रेरा को लेकर ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी से हमने जाना कि रेरा को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, क्या हाल जाना, रेरा को लेकर क्या कुछ जो ब्रोकर्स हैं उनकी सोच है। लेकिन अब हम रियल एस्टेट सेक्टर की ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। हमारे साथ कुछ ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बताइए। मैं कुणाल हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो रियल एस्टेट का हाल है वो सबको पता है, ठीक है। हमारे पीएम साहब ने अभी सबके लिए एक आवास योजना भी लॉन्च किया, बट आज के डेट में जो पहले 2010, 2009, 2008 से जो योजनाएं चल रही हैं या जो अफोर्डेबल हाउसिंग नोएडा में बन रही हैं या किसी दूसरे शहर में बन रही हैं, वहां लोगों को पोजीशन नहीं मिल रहा है। आए दिन बिल्डर अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करके जा रहे हैं। जहां लोगों का पोजीशन नहीं मिल रहा है, होम बायर परेशान है, वहीं हम जैसे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि हमें हमारे टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है। हमारे जो बायर हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपने जो हमारी बुकिंग करवाई या जिस बिल्डर कहां ले गए, इतने रिप्यूटेड बिल्डर थे, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे एक हमारा भी वैल्यू मार्केट में खराब हुआ है, हमारा भी नाम खराब हुआ है। जो हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट में रेरा भी आया है, रेरा में चीजें संगठित होने की बात हुई है, बट रेरा के अंदर जो कानून आया है रेरा का और जो संगठित होने की बात आई है, उस रेरा कानून के तहत ही सबसे पहले हम जैसे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले ब्रोकर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन्हें इस कानून के तहत दबाने के लिए आया है, क्योंकि इसमें सारा अधिकार बिल्डर को दिया गया है, कहीं भी हम जैसे ब्रोकर्स को नहीं दिया गया है। तो मेरी सरकार से सबसे पहले मैं यही आह्वान करना चाहूँगा सरकार को कि आप हमारे लिए भी सोचें, क्योंकि आज के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2 करोड़ प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं हर एक सिटी में। तो आपने जो रेरा बनाया है, क्या उन्हें रेरा के बारे में पता है या रेरा के लिए नॉलेज है? कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। तो मेरी विनती यही है सरकार से कि आप रेरा का नॉलेज हमें अवेलेबल कराएँ, उसमें टर्म एंड कंडीशन दें कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका क्या वैल्यू है, ठीक है, प्लस जो हमारी बिलिंग उनके पास में खड़ी होती है, जिन बिल्डरों के पास में, हमें कितने टाइम फ्रेम में हमारे पैसे मिलेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें बताई जाएं, जिससे कि रास्ता सबके लिए स्मूथ बने। केवल ऐसा नहीं कि एक के लिए आप रास्ता बना दो और बाकी लोगों के लिए आप रास्ता रोक दो, जो बायर हैं या फिर जो ब्रोकर हैं। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि रेरा जो आया है उसमें कई खामियां हैं और वो आपके हक में नहीं है, तो आपसे हम जानेंगे कि आपका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले एजुकेशन बहुत पुअर है रेरा को, लोगों को पता ही नहीं कि रेरा का मतलब है क्या। ग्राउंड लेवल पे रेरा को एजुकेशन देना जरूरी था। हम ब्रोकर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो उनको मेन एजुकेशन देनी जरूरी है। जैसे आप लोगों ने GST के लिए क्लासेस दी थी, तो इसके लिए भी क्लासेस होनी बहुत ज़रूरी है। और बिल्डर पेमेंट नहीं देता, लेट करता है पेमेंट। बिल्डर चाहता है कि आराम से पेमेंट देता है, 40-40 हज़ार करके, 5 लाख का बिल होता है, 40-40 हज़ार रुपये करके पेमेंट मिलती है टुकड़ों टुकड़ों में। उसके अंदर से भी रेरा चाहता है कि हम 2.5 लाख रुपये उनको दे दें, तो ये कोई हमारे को तक समझ नहीं आ रहा। बेस लेवल है क्या, क्या चीज़ें इसके अंदर क्लैरिटी है? देखो, क्लाइंट को भी, हम चाहते हैं कि क्लाइंट भी सेफर से, हम क्लाइंट का कौन चाहता है कोई नुकसान? कोई चाहता नहीं है नुकसान, क्लाइंट भी सेफर से। हम चाहते हैं कि क्लाइंट को हम गाइड कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ गाइड करते हैं। जब हमारे को प्रोजेक्ट आता है, अच्छे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो हमें तो ये लगता है कि बेस लेवल पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। बिल्डर कहते हैं हमारे सारे पेपर्स हैं, बैंक लोन करता है, हमसे ज़्यादा समझदार तो बैंक है। जब बैंक लोन कर रहा है तो हमारे लिए तो ये है ना कि बैंक ने स्टडी करके सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बेस लेवल पर आने के टाइम पर रेरा में लिख दिया कि क्लाइंट के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर फाइन है 5% का या पेनल्टी लगेगी। हमारे पे पेनल्टी क्यों है? बैंक उस टाइम बेवकूफ़ था कि जो उस टाइम बैंक ने लोन करे हैं। हम कहाँ मारे जाएंगे? डिफॉल्ट बिल्डर करे, डिफॉल्ट क्लाइंट करता है, बिल्डर करता है, और हमारा ब्रोकर जाएगा, तो हमारा तो मेन सारा का सारा ग्राउंड लेवल ही खत्म हो गया। तो आपके कहने का मतलब रेरा आपके फेवर में नहीं है और बहुत सी आवश्यकता है, इसमें जरूरत है कि इसको इम्प्रूवमेंट की। एक्चुअली में जो रेरा लॉन्च किया गया है तो उसके अंदर ब्रोकर्स मीट ही नहीं हुआ। एक ब्रोकर्स मीट होती है जिस जो ब्रोकर है जो एजुकेशन देता है कि हमारे साथ ये संगठित हो रहा है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उनकी तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। बिल्डर ने बैठ के रेरा बना दिया, बिल्डरों के साथ बैठ के आपस में कमेटी ने डिसाइड कर दिया। आजकल ये चीज़ें चल रही है मेन लेवल पे, आम्रपाली है, बड़े बड़े बिल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी पेमेंटें उनके पास पड़ी है तो हमारी पेमेंटें कौन देखेगा?
बस ये कहना है तो रेरा में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रेरा के आने से पहले भी जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो उसके बारे में बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना रियल इस्टेट में एक ब्रोकर को करना पड़ता था। देखिए, ब्रोकर्स की दिक्कतें पहले भी थी, आज भी थी। आज के दिन में हिंदुस्तान में करोड़ों ब्रोकर है, अगर हम सिर्फ NCR की बात करें तो कम से कम 1.25 लाख ब्रोकर है। इसमें से कोई ना कोई ब्रोकर कभी ना कभी उसके पैसे जरूर मारे गए हैं। क्या इसके लिए सरकार ने कभी कुछ किया? ब्रोकर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी है। एक कस्टमर, अगर आपको मकान चाहिए तो ब्रोकर ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी है जो आपको मकान लेने में आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। हर एक बिल्डर बोलता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है दी बेस्ट है, लेकिन एक ब्रोकर है आपको बताता है कि आपके लिए हजारों प्रोजेक्ट्स में से ये 2-3 हैं जो आपके अनुसार है और पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल बताता है। तो ये ब्रोकर ही सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है, आप उसी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आज के दिन में बिल्डर तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेता है, जैसे कि JP ने किया, उसके बावजूद फोन किसके पास में आ रहा है? हमारे पास में आ रहे हैं। हम ही वो इम्पोर्टेंट कड़ी है जो कि कस्टमर को आज के दिन भी बता रहे हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी छोटे ब्रोकर को पता नहीं सरकार क्यों दबाने के लिए लगी हुई है। और वो क्या बेरोजगार करना चाह रही है इन लोगों को? तो ब्रोकर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपका क्या कुछ कहना है कि आखिर ब्रोकर्स के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ज़रूरत हैं जिनको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेरा हमारे लिए एक्टिव किया है उसमें ब्रोकर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। अगर आप हमसे फीस ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में हमें दे क्या रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। आज हम लोग की यूनिटी नहीं थी, उसी का ये खामियाजा है कि आज हम उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। हम काफ़ी एक महासम्मेलन बुला रहे हैं जिसमें हजारों की तादाद में ब्रोकर भाई हमारे सम्मिलित हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। ये आज हमें करना पड़ रहा है, अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रेरा जो कानून है वो बिल्डर्स के फेवर में है, बायर्स के फेवर में है, ब्रोकर्स का कहीं फेवर नहीं है। एट द एंड हमें अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, रेडी पटरी लेके कुछ ना कुछ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं ढूंढा हमने अपने सॉल्यूशन, हमने अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ा आज, तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो रेरा को लेकर आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं? हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, आज हमें तैयार मजबूरी में होना पड़ा है, ये काम हमें बहुत पहले करना था और हम पूरी तरीके से तैयार हैं मोर्चा खोलने के लिए। आने वाले टाइम में हम महासम्मेलन करने वाले हैं जिसमें हमारे हजारों की तादाद में ब्रोकर भाई आएंगे वहाँ पे। तो अब रेरा के खिलाफ जो है ब्रोकर्स हैं वो ब्रोकर्स एसोसिएशन धरने पर बैठेगी, प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। और कुछ जानते हैं कि क्या कुछ ब्रोकर्स की परेशानियां हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि जहां हमें 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट को पे करना है तो मेरी सरकार से डिमांड है कि आप हमें फाइनेंस कर दें, हम पैसे पे कर देंगे। ठीक है, जब सरकार को ही हम पे नहीं भरोसा है तो हम सरकार पे क्यों भरोसा रखें? क्योंकि आप हमें भी एक चैनल में लाना चाह रहे हैं, तो जब चैनल में लाना चाह रहे हैं तो आप हमें भी उसके अंदर लेकर आए ना। ठीक है, केवल कानून बनाने से नहीं होता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी आप कैसे करोगे? और कानून जनता के लिए होता है, ठीक है, जनता कानून के लिए नहीं होता है। तो चीज़ें हमारी तरफ भी होनी चाहिए, जो हमारे होम बायर्स हैं उनके तरफ भी होने चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ होम बायर मर रहे हैं दूसरी तरफ हम मर रहे हैं, और जब बायर ही मर जाएंगे तो हमारा भी कोई काम नहीं बचेगा और बिल्डर का भी कोई काम नहीं बचेगा। जी, तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि ब्रोकर्स के फेवर में ये रेरा कानून नहीं है क्या? आपको लगता है कि जो होम बायर है उसको कुछ सुविधा रेरा आने के बाद मिलने वाली है? देखिए, अभी हमारे आपको भी पता होगा कि जहाँ रेरा के बारे में हमें नहीं पता है तो होम बायर को क्या पता होगा ज़्यादातर लोगों को। ठीक है, बिल्डर ऑफिस में वो जाते हैं, कोई अवेयर नहीं करते हैं, वो पूछते हैं बिल्डर ऑफिस में कि रेरा क्या है, आप रेरा में हो या नहीं हो, आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, हमारी टर्म एंड कंडीशन क्या है, बिल्डर बताने को तैयार नहीं है। तो आपने बना तो दिया, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, UP रेरा हो चाहे महाराष्ट्र रेरा हो, कहीं का भी सॉफ्टवेयर बनाया, अपलोड कर दिया, बट आपने बिल्डर को बोला कि आप अपने जितने भी बायर हैं आप उनको बताओ कि आपके लिए रेरा में क्या आया है। ठीक है, आप कैसे मजबूत हुए हो, या आप पैसे हमें दे रहे हो तो आपके पैसे कैसे सेफ हैं? बस रेरा बना देने से, एक लोगो लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। तो रेरा को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है लोगों से, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एक NCR के अंदर काम कर रहे हैं, NCR में 1.25 लाख से ऊपर के ब्रोकर हैं, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे ब्रोकर्स हैं। तो अगर NCR की हम सिर्फ बात करते हैं, रेरा का स्टेट वाइज कानून बनाया गया है, स्टेट वाइज हमें फीस उसकी देनी है रेरा की। NCR को 3 स्टेट कवर कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इंडिविजुअल फीस हर स्टेट की 2.5 लाख रुपए की रखी गई है। अगर कोई ब्रोकर साल में 5-10 लाख का काम करता है और वो 7.5 लाख रुपए 3 स्टेट का पे कर देगा तो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये NCR है, NCR में दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद आता है, नोएडा आता है और हरियाणा आता है। तो अगर हम टच में कोई काम कर रहे हैं तो हम हरियाणा की या तो प्रॉपर्टी बेचें ना, अगर बेच रहे हैं तो हम उसके लिए 2.5 लाख रुपए उसको दें। तो हम इसका बॉयकॉट करते हैं बिल्कुल, कि हमें अगर हम 5 लाख रुपये साल में पैदा करते हैं, 2.5 लाख रुपये हम एक स्टेट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन रेरा के दे दें, 18% का हम GST दे दें, एट द एंड हमें अपने घर से बीवी बच्चों को पालने के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो ब्रोकर्स का साफ तौर पर कहना है पहले बायर्स को लूटा जा रहा था, अब ब्रोकर्स की बारी आई है और सरकार जो है उनसे पैसा वसूल रही है और लोगों को इस रेरा कानून पर जागरूक करने की जरूरत है और वो लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। रियलिटी मीडिया के लिए शिवम तनेजा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।